हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, बट अब मैंने सोचा दोबारा स्टार्ट करते हैं और अब इंशाल्लाह रेगुलर वीडियो आएगी। तो आज जो हम बनाने वाले हैं वो है टेम्पलेट बनाने वाले हैं, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसा हो गया है कि हर किसी को अपने एडवर्टाइज़ के लिए या तो सोशल मीडिया पर वो पोस्ट डालते हैं या फिर प्रिंट करवा के ये टेम्पलेट बनवा के हर जगह बांट देते हैं। तो वही हम टेम्पलेट आज बनाने वाले हैं। ये हम बनाएंगे रेस्टोरेंट का। तो हमें जो जो चाहिए वो मैंने यहाँ पे पहले से रख रखा है ताकि आपका टाइम बचे। तो हमने साइज ले रखा है, ये A4 का हाफ साइज़ होता है, 5.8 एंड 8.2। तो हम इसी में आज बनाएंगे। तो चलो देखते हैं कि ये कैसे बनता है, ठीक है? तो वीडियो पूरी देखना। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले इसको हम बनाते हैं डिज़ाइन इसकी। ओके, सबसे पहले हमने इसे सर्कल लिया, उसको हम पहले करेंगे येलो, फिर इसी को हम करते हैं कॉपी, अब इसमें हम करते हैं रेड, ठीक है? और इसका हम आउटलाइन हटा देते हैं पहले, ठीक है? इसको हम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, अब इसको हम कर देते हैं ग्रुप, और इसको हम पावर क्लिप इनसाइड करते हैं, ठीक है? ये आ गया इसमें। तो ये बन गया हमारा, ऊपर ये वाइट ही रहेगा। तो अब हम इसमें टेक्स्ट लगाते हैं। तो ये मैंने फॉन्ट स्टाइल पहले ही वो कर रखा, आप देख सकते हो ये मेरा एस डेप्थ, ठीक है? तो इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं, उसके नीचे हमने संडे के नीचे स्पेशल लिख रखा है। ये स्पेशल जो है इसका फॉन्ट है मेरा अडाइन किंगबर्ग, ठीक है? तो इसको हम करते हैं सेंटर में, सेंटर में करके अब इसको थोड़ा हम इधर कर देते हैं, ठीक है? तो ये हमारा आ गया फॉन्ट। इसको हम करते हैं नीचे, ओके, उसके ऊपर हम ये लगा देते हैं गुड फूड, ठीक है? ये सब मैंने पहले से बना रखा है, ये बहुत इजी है ये बनाना, आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अगर शुरू से ये सब बनाऊंगा या फिर फॉन्ट या टेक्स्ट लिखूंगा, उसको स्टाइल दूंगा, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं शॉर्ट में सारी चीज़ें रख के पहले ही समझा देता हूँ। तो अब हम इसको एडजस्ट करते हैं। ये मैंने डाउनलोड करा था और इसके पीछे मैंने ये शेडो इफेक्ट दे रखा है, ठीक है? तो ये आप भी दे सकते हैं, क्योंकि शेडो भी यहाँ से आ जाता है, या आप इसी को शेडो बना के इसके आगे ये प्लेट लगा सकते हैं। बाकी ये भी बहुत सिंपल है, ये सब आप कर लेंगे आराम से, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करने के चक्कर में मैंने हर चीज़ पहले बना रखा है। अब मैं सिर्फ आपको इसको सेट करके दिखाऊंगा और अच्छे लुक में दिखेगा ये, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे इसको लगाते हैं, वापस जाते हैं इस पर, इसको हम करते हैं कॉपी, बैक आते हैं, ठीक है? इसको करते हैं छोटा और इसको लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है? अब इसको हम ऊपर करते हैं, इसकी हम और कॉपी लेते हैं, पहले इसको अनग्रुप करके अब इसको कॉपी करके बीच में लगाते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसको और थोड़ा छोटा करना है दोनों को, ठीक है? अब इसको सिलेक्ट करके कॉपी करके हम लगाएंगे यहाँ पे, और इन तीनों को हम करते हैं सेंटर, ठीक है? अब इनको हम अनग्रुप करके
अब हम ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। इसको हम क्लिपिंग मास करेंगे। ठीक कह रही है, अनग्रुप हो गया। अब इसको हम करेंगे क्लिपिंग मास इनसाइड। ठीक है, ये आ रहा है, परफेक्ट आ रही है। आएंगे बाहर, अब इसे भी हम करेंगे क्लिपिंग मास्क इनसाइड। ये भी ठीक आ रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसको भी हम करेंगे क्लिपिंग मास्क और इसे इसमें डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये बन गया है। अब इसके नीचे हम ये सारी चीज़ें जो हमारी ओके, तो सबसे पहले इसको थोड़ा ऊपर करते हैं ताकि नीचे भी हमें जगह मिल जाए। यहाँ से हम लेते हैं इसको, हम देते हैं ये लो आउटलाइन, इसके करते हैं नन, और इसको हम इसके बीच में ला के रखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं, आगे हमें करना है इनको। तो इसमें देखो, इसमें क्या हमारा व्हाट्सएप नंबर है और कैलेंडर है। ठीक है, तो इसमें हमारा व्हाट्सएप नंबर है और कैलेंडर है। अब इसको हम कर देते हैं वाइट और इसको भी करते हैं वाइट। ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा ऊपर और इसे करते हैं ग्रुप। सॉरी, ये हमारा नीचे रह गया, तो इसको हम पहले अनग्रुप करते हैं। ठीक है, अब इसको हम सेलेक्ट करके इसे ग्रुप करके यहाँ से हम इसको अलाइन कर देंगे और यहाँ से हम इसको कर देंगे ग्रुप और इसको कर देंगे हम सेंटर। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम डालते हैं यहाँ पर लोकेशन। तो लोकेशन के लिए हमें क्या करना होगा, हमने यहाँ पे इसका लोकेशन का ये आइकन भी ले रखा है, तो पहले हम इसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं क्योंकि ये हमारा ज़्यादा जगह ले रहा है। ठीक है, और इधर से भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ओके, परफेक्ट। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर जाके इसका हम आउटलाइन देते हैं। आउटलाइन हम इसका येलो ही देते हैं। ठीक है, और इसको हम करते हैं नन और इसे हम इसके बीच में कर देते हैं। ये हमारा आ गया सेक्टर, और इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और हम इसे क्या करेंगे, इसे हम करते हैं कॉपी और इसको करते हैं आगे, इसको यहाँ पे येलो करके इसे हम कर देते हैं इसके सामने सेंटर। ठीक है, इसको भी हम वाइट कलर दे देते हैं। ओके, परफेक्ट। अब इसे करते हैं ग्रुप, ये भी ग्रुप है, ये ग्रुप नहीं है, इसको भी हम करते हैं ग्रुप और इनको हम कर देते हैं सेंटर। तो अब हमारा ये तीनों सेंटर हो चुका है। ये देखो कितनी आसानी से बहुत अच्छा बन गया है। ठीक है, अब हमें करना है इसका यूज़। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये सारी जो इमेज है ये सब आपको मिल जाएगा गूगल पे, तो इसको भी हम यहाँ पे अंदर लाते हैं। इसको कहाँ रखेंगे, यहीं रखते हैं। ठीक है, परफेक्ट, ये हो गया हमारा। उसके बाद हम रखते हैं इसको, इसे हम क्लिपिंग मास्क इस साइड। ठीक है, फिर इसको हम इधर लाएंगे,
पर करते हैं क्लिपिंग मास्क इनसाइड, ठीक है। अब ये आ गया हमारा टमाटर, तो टमाटर को भी हम करते हैं अंदर। तो ये देखो कितनी आसानी से, कितना अच्छा और कितना सही हमारा टेम्पलेट बन चुका है। आप चाहो तो इसमें और भी कुछ ऐड करके और अच्छा बना सकते हो, ठीक है। हम इसको भी ब्लैक से कर देते हैं वाइट, ठीक है। और ये हमारा बनके हो चुका है टेम्पलेट तैयार। तो ये देखो कितनी आसानी से और कितने कम समय में हमने इतना अच्छा टेम्पलेट बना लिया है। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और कुछ भी सजेशन देना हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।